हाय, वेलकम टू वीआर लर्नर्स। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्लास टेन मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर, हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमें दिया गया है कि इफ 10 ए प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3। नाउ ये ए प्लस बी क्या है, ये ए और बी क्या है, ये दोनों एंगल्स है। मोरओवर यहाँ दिया गया है कि ए प्लस बी जो है ये ग्रेटर देन 0 डिग्री है, बट लेस देन ये इक्वल्स टू 90 डिग्रीज है। मोरओवर यहाँ दिया गया है कि एंगल ए जो है ये एंगल बी से यहाँ बड़ा है। मोरओवर गिवन कि 10 ए माइनस बी जो है दिस इज इक्वल्स टू 1/√3, और यहाँ हमें एंगल ए और एंगल बी का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हमें यहाँ जो दिया गया वहां से हम देखते हैं, यहाँ हमें दिया गया है कि 10 ए प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3। सो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज 10 ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब देखिए 10 60 डिग्रीज जो होता है ये रूट 3 होती है इसकी वैल्यू। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूं दिस इज 10 60 डिग्रीज, देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। नाउ इसको मैं टर्म कर लेती हूं एज इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि 10 ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। सो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 10 ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, अब देखिए 10 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/√3। सो 1/√3 को रिप्लेस करके मैं लिख सकती हूं यहां 10 30 डिग्रीज, देयरफॉर दिस इज ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। नाउ इसको मैं टर्म कर लेती हूं एज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, सो दिस इज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, ये है इक्वेशन 1। एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, ये है इक्वेशन 2। नाउ यहां हम इन दोनों को इक्वेशंस को एड कर देते हैं। तो यहां देखिए दिस इज पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो ये हो जाता है ए प्लस ए हो जाता है ट्वाइस ए, और 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज हो जाता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहां कि ए इज इक्वल्स टू, नाउ देखिए 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2, सो यहां 2 से यदि हम इसको कैंसिल करते हैं सो दिस कम्स एज 45 डिग्रीज, सो दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। सो देखिए हमने यहां एंगल ए का मेजरमेंट फाइंड कर लिया, दिस इज 45 डिग्रीज। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, वी गेट ए की जगह मैं रिप्लेस करके इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू लिख देती हूं, दैट इज 45 डिग्रीज प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। नाउ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, साइड चेंज कर देते हैं, देन दिस इज 45 डिग्रीज हो जाता है माइनस, देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू, देखिए 60 माइनस 45 हो जाता है 50 डिग्रीज। तो देखिए हेंस हमने यहां फाइंड कर लिया कि एंगल ए की मेजरमेंट है यहां 45 डिग्रीज और एंगल बी का मेजरमेंट है यहां 50 डिग्रीज, दिस इज द आंसर। अब देखिए इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखिए इक्वेशन 1 में हमें क्या दिया गया था, हमने क्या फाइंड किया था, देखिए इक्वेशन 1 में कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज होती है। अब देखिए हमने यहाँ ए क्या फाइंड किया है 45 डिग्रीज और बी है, एंगल बी है 15 डिग्रीज, तो 45 प्लस 15 हो जाता है 60 डिग्रीज, तो ये हमारा आंसर सही है। मोरओवर क्वेश्चन में एक बार गौर कीजिएगा वापस, ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए है। ए इज ग्रेटर देन बी, तो देखिए ए की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ ए इज 45 डिग्रीज और बी है 15 डिग्रीज, तो
ए ग्रेटर देन बी है। मोर ओवर एक कंडीशन और भी दी गई थी कि ए प्लस बी जो है, देखिए ये ग्रेटर देन जीरो है बट लेस देन या इक्वल्स टू 90 डिग्रीज होता है। तब ये देखिए ए प्लस बी यदि हम करते हैं तो ये कितना होता है, 45 प्लस 15 60 डिग्रीज होता है। तो 60 डिग्री क्या होता है, ये लाई करता है जीरो से लेके 90 डिग्रीज या 90 डिग्री के इक्वल तक। इसका मतलब हमें आंसर चेक जरूर कर लेना चाहिए ये हमारे बेनिफिट के लिए कि आंसर सही है या नहीं। सो दिस इज द आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।